नमस्कार, आज है सोमवार और आप देख रहे हैं हफ्तेवार समाचार। मैं अरित्रिका लेकर आई हूं आप तक के लिए पांच बड़ी हेडलाइंस। जी हाँ, पहली खबर मेरे पास ये है कि हम जैसा कि जानते हैं पिछले हफ्ते हुई है दिल्ली में वोटिंग्स, 58% की वोटिंग हुई है जिसमें आम आदमी पार्टी अभी लीड कर रही है। तो आइए अब देखना ये है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। दूसरी खबर मेरे पास ये है कि थाईलैंड में, जो हम सभी जानते हैं, थाईलैंड में जो एक सोल्जर अपने गुस्से के वजह से 26 लोगों को मार दिया है, वो अब उसको वहाँ की गवर्नमेंट उसी मॉल में, जिस मॉल में वो 26 लोगों को मारा है उसी मॉल में उसको मार दे गिराया गया है। तीसरी खबर मेरे पास ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में जो मैच था क्रिकेट का, उसमें इंडिया हार चुकी है। साथ ही साथ इंडिया इस बार ODI सीरीज पूरी हार चुकी है। और चौथी खबर मेरे पास ये है कि APJ अब्दुल कलाम की जो बायोपिक है, हाँ, जो APJ अब्दुल कलाम है उनके ऊपर एक बायोपिक आई है जो अब रिलीज होने वाली है, जिसका पहला पोस्टर प्रकाश जावेदकर जी के हाथ से रिवील हो चुका है। पांचवी खबर मेरे पास ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कोरोना वायरस से दुनिया के कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोग मर चुके हैं। अब इस वजह से दुनिया में जितने साइंटिस्ट हैं, चाहे वो कितने ही छोटे साइंटिस्ट हों या कितने ही बड़े साइंटिस्ट हों, वो सब लग चुके हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन निकालने के लिए। तो अब आगे की जो खबरें हैं वो मेरे बाकी के रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए चैनल जिसका नाम है आपका देसी चैनल। गुड न्यूज़ फॉर ऑल द रूरल एरिया पीपल, वेयर द रूरल एरिया पीपल विल गेट ऑल द प्रॉब्लम सोल्यूशन इन देयर विलेजेस इटसेल्फ, because the Supreme Court has asked each and every state to establish Gram Nyalayas within the time span of 4 weeks, so that ki gram ke logo ko dur shaharon tak Supreme Court, State Court, High Court tak nahi jana padega, unko har ek samasya ka samadhan unke gram mein hi mil jayega, taki unka jo mahatvapurn time hai, जो घंटों लगाते हैं सिटी में ट्रैवल करने के लिए, उनका वो टाइम भी बचत होगा और उनके हर एक द जुडिशियल सिस्टम फॉर देम विल बी मच फास्टर दैन बिफोर, क्योंकि उनके ग्राम में ही न्यायालय खुल जाएगा जिससे उनके हर एक समस्या का समाधान उनके ही ग्राम में मिलेगा। दिस डिसीजन वॉज मेड बाय जस्टिस एनवी रमना। इस बार की जो मेरी न्यूज़ है वह यूनियन बजट से रिलेटेड है। हाँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस बार के फाइनेंस बजट में यह स्टेट किया है किसान रेल के बारे में। उन्होंने कहा था टू बिल्ड अ नेशनल सीमलेस कोल सप्लाई चेन विथ रेफ्रिजरेटेड कोचेज टू ट्रांसपोर्ट पेरिशेबल गुड्स टू असिस्ट फार्मर्स, यानी किसानों की सहायता के लिए यह सुविधा हमारे लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ट्रेन में रेफ्रिजरेटेड कोचेज होंगे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स उनके लेनदारों तक ठीक समय पर और ठीक तरीके से पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ ये जो सुविधा है कोई एक ट्रेन में रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, और भी टाइप्स ऑफ ट्रेन में यह सुविधा हमारे लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, जैसे कि फ्रेट ट्रेन, जो मालगाड़ियाँ होती है उसमें भी हमारे लिए सुविधा उपलब्ध होगी, और एक्सप्रेस ट्रेन, फास्ट मूविंग ट्रेन में भी हमारे लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। थैंक यू। तो चलिए आपको ले चलते हैं कुछ फॉरेन न्यूज़ की तरफ, जहाँ से बहुत एक बड़ी न्यूज़ आई है हमारे पास, ये कि अलकायदा लीडर, जी हाँ, अलकायदा लीडर को मार दिया गया है। जैसा कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 6 फरवरी को डिक्लेयर किया है कि अलकायदा लीडर कासिम अल रिमी को एक एनकाउंटर में यमन में मार दिया गया है। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA हैज़ रिक्वेस्टेड BCCI प्रेसिडेंट, a former Indian cricket captain Sourav Ganguly, to be the goodwill ambassador of the Team India to the Olympic Games in Tokyo this year, which will be held in Tokyo between July 24 to August 9. They are expecting participation of about 100 to 200 athletes across 14 to 16 sports disciplines at Tokyo 2020. Team is a mixture of senior athletes as well as youngsters who are making their debut at the Olympic Games. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में फिर से केजरीवाल को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भाजपा और कांग्रेस से ज़्यादा सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। शाहीन बाग में औरतों ने दिल्ली में वोट बैचेस में दिया, मतलब अगर कुछ औरतें सुबह वोट देने गई तो कुछ दिन में और कुछ शाम में,
ताकि प्रोटेस्ट में कोई रुकावट नहीं आए। पंजाब में 3 मंजिला इमारत के ढहने के बाद कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है। समाचार एजेंसी PTI ने पुलिस के हवाले से रिपोर्ट दी है कि खड़क लाडला रोड पर यह इमारत स्थिर थी। इमारत के बेसमेंट पे JCB मशीन की खुदाई का काम चल रहा था। NDRF की टीम को घटनास्थल पर राहत कार्य के लिए कहा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों से चल रहा है। आशंका ये बताई जा रही है कि कई मजदूर इस इमारत में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि इस हफ्ते खेल दुनिया में क्या क्या हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को पहली और दूसरी वनडे में हरा दी है। इसी के साथ न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत चुकी है और इसी जीत के साथ न्यूजीलैंड भारत को आखिरी बार 2014 में हराई थी। उसके बाद उन्होंने इस सीरीज में जीत हासिल। जोफ्रा आर्चर, जो कि जाने माने इंग्लैंड क्रिकेटर है, वो एल्बो फ्रैक्चर की वजह से IPL और श्रीलंका टूर से बाहर हो चुके हैं, तो राजस्थान रॉयल उनकी रिप्लेसमेंट की बहुत जोरदार कोशिश कर रही है। KFC बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स ने मेलबोर्न स्टार्स को हरा दी है। इसी के साथ वो इस टूर्नामेंट की चैंपियन बन चुकी है। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। इंडियन चीफ बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद जी को IOC कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं हॉकी की। FIH प्रो लीग मैच में इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम को 2-1 से हरा दी है। इंडिया की तरफ से मनदीप सिंह और रमनदीप सिंह ने गोल लगाया। अब बात करते हैं फुटबॉल की। ISL में ATK और ओडिशा FC के बीच हुई मैच में ATK 3-1 से जीत चुकी है। ATK के तरफ से ATK के कप्तान रॉय कृष्णा ने हैट्रिक गोल दागे। इसी के साथ ATK प्लेऑफ्स में जाने के लिए अपनी जगह पक्की कर चुकी है और इस 3 गोल के साथ रॉय कृष्णा इस सीजन के ISL में टॉप गोल स्कोरर बन चुके हैं। इस हफ्ते के लिए खेल समाचार में आपके लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका देसी चैनल। टिप ऑफ द वीक: प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू कीप आवर एनवायरनमेंट सेफ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। सब्सक्राइब कीजिए आपका देसी चैनल और दबाइए बेल आइकन अगर आप चाहते हैं रहना न्यूज में अपडेट। देखना चाहते हैं नई शॉर्ट स्टोरीज और नए गाने, सीखना चाहते हैं नई चीजें, मिलना चाहते हैं नए कलाकारों से, या बॉलीवुड इवेंट्स और क्विज में है आपका इंटरेस्ट और जीतना चाहते हैं ढेरों प्राइजेस हर हफ्ते, तो यही है आपके लिए सही चैनल, आपका देसी चैनल।